अरे महेश जी। हाँ जी नमस्कार भाई। नमस्कार। अरे यहाँ पे बोधला के सभी लोग आए हैं, यहाँ पे शिकायत कम से कम 70-80-100-125 लोग हैं। अरे रामशंकर जी का हिसाब सुना। अरे और ये तुम्हारी कंप्लेंट कर रहे हैं बाजार बाजार नहीं लगने दे रहे, तुम कहते हो चाहे भले मुख्यमंत्री को बुला लो, ये वो भाई साहब चाहिए ऐसा हम कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम कहेंगे लेकिन आप एसएसपी साहब का भ्रमण था, ये दुकान के अंदर रहेगा, ये फुटपाथ में नहीं, तो पूरा चौराहा साफ कराने में रात दिन इसी में लगे रहते हैं, हम तो परेशान हो गए। नहीं तो ये तो नाले के उधर की नाले किधर लगाते हो आप लोग? नाले के पीछे की साइड लगाते हैं नाले के फुटपाथ। सर आए थे ना, कप्तान साहब ने भ्रमण करा तो उन्होंने कहा जो दुकान इनकी बनी है दुकान के अंदर रहेंगे, ये है मामला। वहाँ साहब के यहाँ भेज दो 4-6 लोग, वहाँ उनसे कह दो तो हमें कुछ दिक्कत हो, मुझे थोड़ा आपत्ति है सर, हम क्यों करें। चलो 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 सर। सर ऐसे कप्तान साहब ने कहा है? हाँ अभी गए यही चौराहे से, कल भी आए थे परसों 4 दिन चौराहे सब साफ करा रहे, जाम अब लग ही नहीं रहा यहाँ। अच्छा अच्छा एक मिनट चलो मैं बता देता हूँ भाई साहब, एक मिनट लाइन में रहना। चक्कर यहाँ पे सब लोगों ने लेटर लिखवा दिया एसएसपी के लिए, चले जाएंगे। हाँ 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 अरे भाई साहब एक मिनट में किससे बात करनी है? चार्ज हो गया एसएसपी। अरे महेश पाल यादव जी। हाँ जैन सर, जैन सर आदित्य कहें सर। यादव तो गुंडा तो नहीं हो ना तुम? नहीं नहीं सर, नहीं सर जैन नहीं। योगी को चैलेंज करते हो, मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हो? नहीं सर हमने नहीं सर किसी को नहीं चैलेंज करा। नौकरी खा जाऊंगा और जेल भेज दूंगा दोबारा बकवास को, ध्यान रखना। नहीं सर मैंने ऐसा किसी कुछ नहीं कहा सर। जिस एसपी की तूने पिटाई की है उससे एप्लीकेशन लिख के कमीशन से तेरे खिलाफ एफआईआर करके जेल भेज दूंगा, ऐसी गुंडी दोबारा की तो ध्यान रखना। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किसी को कहा सर, दोबारा ध्यान रखना बिल्कुल। वो रो रहा है जिसको डंडा मारा है? किसी को नहीं डंडा मारा सर, हमने किसी को नहीं डंडा मारा। डंडा मारा उसके चोट है? नहीं सर वो एससी का है, कमीशन में लिख के उसको एप्लीकेशन लिखा ली तो जमानत नहीं, जब वो होगी फिर और नौकरी में कभी प्रमोशन नहीं होगा। सर मैंने किसी कुछ नहीं कहा सर,